सब्सक्राइब करिए ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज मोहम्मद उमेर खान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अपनी फेसबुक आईडी को अनब्लॉक से आज़ाद कर सकते हो। अगर आपको किसी ने ब्लॉक किया है फेसबुक के ऊपर या आप लोगों का रिक्वेस्ट उन्होंने डिलीट किया है और आप लोग उसको रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते, तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अपने आप को अनब्लॉक कर सकते हैं और इसे दोबारा रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। वेलकम बैक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो उसके बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को ये अकाउंट, आप लोग देख सकते हैं कि इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, मैं इसे रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकता। तो किस तरह आप लोग इसे भी इस तरह अनब्लॉक कर सकते हैं अपने आप को और दोबारा इस जो भी शख्स है उसको आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैसेंजर है और यहाँ पे रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं है, तो मैं यह रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकता। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों ने दूसरी आईडी पे जाना है, और क्योंकि इस आईडी से आप लोग रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते तो दूसरी आईडी पे जाकर वहाँ से आप लोग उसे सजेस्ट करोगे अपनी आईडी पे और अपनी आईडी से उसे दोबारा आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इस आईडी से दूसरी आईडी पे चला जाता हूँ और वहाँ पे आप लोगों को और तरीका बताता हूँ। तो ओके, उसके बाद आप लोगों ने दूसरी आईडी से उस आईडी पे आना है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं यहाँ रिक्वेस्ट उसे सेंड कर सकता हूँ और वहाँ जो मेरी अपनी आईडी थी वहाँ से मैं रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकता था। तो आप लोगों ने जस्ट ऐड फ्रेंड इस पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आप लोगों ने सजेस्ट फ्रेंड आप लोगों ने इस पे क्लिक करके अपने आप को सजेस्ट कर देना है जिसे आप लोग चाहते हैं कि रिक्वेस्ट सेंड करें। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ओके, और इस तरह आप लोगों के सामने ये थोड़ा लोडिंग करेगा और आप लोगों के सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप लोगों ने अपना नेम लिख करके उसे अपनी आईडी पे उसे सजेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपना नेम लिखूँगा, ओके, जो कि मेरी अपनी रियल आईडी है, उस पे मैं उस इस शख्स ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है तो मैंने यहाँ पे अपना आईडी नेम लिखा और सजेस्ट फ्रेंड इस पे क्लिक किया। तो इस आईडी का जो मेरे पास रिक्वेस्ट सेंड हुआ तो अब मैं उसे दोबारा रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जिस आईडी दूसरी आईडी से आप लोग लॉगिन है, जहाँ से मैं इस आईडी से लॉगिन हूँ, तो सबसे पहले आप लोगों ने इस आईडी के साथ अपने आपको ऐड कर देना है। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं या फिर मैं ऐड हूँ, इस वजह से या फिर सजेशन में मेरा नाम आता है, इसलिए आप लोगों ने भी या फिर अपने आप को दूसरी आईडी में ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ से मैं दोबारा इस आईडी को लॉग आउट कर देता हूँ और अपनी रियल आईडी पे आता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह मैंने इस आईडी से अपनी आईडी पे रिक्वेस्ट सेंड की और वहाँ से मैं दोबारा उसे रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें ना तो मैं कह सकता हूँ कि आप लोग इसे आसानी से समझ जाओगे। तो उसके बाद आप लोगों ने अपनी रियल आईडी पे आना है और यहाँ से आप लोगों ने अपनी रियल आईडी को, जो भी आईडी है ना, उसे ओपन कर देना है और वहाँ पर आप लोग देख सकोगे कि आप लोगों को एक सजेशन आ चुकी होगी उस आईडी से जहाँ से आप लोगों ने उस शख्स को सजेस्ट किया हुआ होगा और उसको आप लोग दोबारा रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा वेट कर देना है, मेरा इंटरनेट स्पीड थोड़ा स्लो है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ चुकी है और यहाँ पे मैं ऐड फ्रेंड पे क्लिक करके उसे दोबारा रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ। अगर वो आप लोगों को दोबारा ब्लॉक करे तो आप लोगों ने इसको दोबारा कर देना है और आप लोग जितनी बार उसे चाहे आप लोग ऐड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो गई होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आप लोगों
आपको कोई डाउट है इसमें तो आप लोग मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और मैं अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग उस पर भी मेरे साथ रबिता कर सकते हैं। मैं आप लोगों की इंशाल्लाह कंप्लीट हेल्प करूंगा, और जो भी मुश्किलात आप लोगों के सामने पेश आती तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं उस के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करूं और अपने चैनल पे अपलोड करूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।